हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ना लाभ ना हानि, जब भी ऐसा होगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा। कुल लाभ, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। कुल हानि, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। परसेंट लाभ, परसेंट लाभ निकालने के लिए कुल लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। परसेंट लाभ का एक और फॉर्मूला है, 100% लाभ अपॉन 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। यहाँ से एक चीज़ हम और सीखेंगे कि क्वेश्चंस में जब भी हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना होगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी लाभ होगा, अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य कर देंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 प्लस लाभ अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। नेक्स्ट फॉर्मूला है परसेंट हानि का। परसेंट हानि इक्वल टू कुल हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। नेक्स्ट इक्वेशन है 100 माइनस परसेंट हानि अपॉन 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। जैसे इसको हमने अभी देखा था, वैसे ही इसमें भी है। क्वेश्चंस में हमें जब विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम 100 में से जो हानि है उसको माइनस कर देंगे, अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य कर देंगे। अब देखेंगे हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई, ज्ञात करें कुल लाभ प्रतिशत लाभ। कुल लाभ के लिए हम विक्रय मूल्य 600 में क्रय मूल्य 500 घटा देंगे तो हमें 100 रुपये मिल जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ को डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से इंटू 100, तो हमें यहाँ पर 20% का प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। तो हमें कुल लाभ मिला 100 रुपये का और प्रतिशत लाभ मिला 20% का। एक सामान 400 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए, क्रय मूल्य 400 में से विक्रय मूल्य 200 घटाएंगे तो हमें 200 रुपये की हानि मिलेगी। इसको 400 रुपये के क्रय मूल्य से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 50% की प्रतिशत हानि मिल जाएगी। तो हमें 50% प्रतिशत हानि मिल गई। पेन बेचने पर 25% लाभ होता है जब उसे 2000 में बेचा जाए, यदि उसे 40% लाभ पर बेचें तो कितने रुपए में बिकेगा? देखिए, मैंने आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था, 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 इंटू विक्रय मूल्य। तो इसे 40% लाभ पर बेच रहे हैं तो 100 प्लस 40 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 140 रुपया। तो इसको हम अपॉन 100 कर देंगे, इंटू 2000 में बेचा गया तो उसमें कितना परसेंट लाभ मिला था? 25%। तो 100 प्लस 25, 125 अपॉन 100। तो जो इसके नीचे 100 लिखा हुआ है वो ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 25, 5 जब 125, 25 8 जा 200 होता है। अब 140 इंटू 80 कर देंगे तो हमें 2240 रुपये का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कार 1000 रुपये में खरीद कर उसे 20% के लाभ पर श्याम को बेचा, श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, बताइए मोहन ने कार कितने रुपए में खरीदी? सबसे पहले इसको 1000 रुपये में खरीदा गया था, हमने लिख लिया 1000 इंटू 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ने पर 120 अपॉन 100 इंटू 10% घाटा, यानी 10% हानि हुई है। 100 में 10 घटाएंगे, 90 अपॉन 100। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको 1080 रुपये मिल जाएंगे। तो मोहन ने कार कितने रुपए में खरीदी? 1080 रुपये में। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना क्रय मूल्य है हमारा एक्स, तो उसने 15% लाभ पर बेचा
तो 100 प्लस 15, 115 अपॉन 100, माइनस 10% का लाभ, 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100, कितना ज़्यादा है दोनों आपस में, 200 रुपये, ये इससे ज़्यादा है। अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 बराबर 200। 5 से 100 काटेंगे तो ये 20 बचेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा फाइनल एक्स की वैल्यू 4000 आ जाएगी। तो सामान का क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4000 रुपये। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आकर हमसे ज़रूर पूछें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।